ग्लोबल एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आप ऑयल या पेट्रोल पर कब तक डिपेंडेंट रह सकते हैं? आई एम टॉकिंग ऑफ इन टर्म्स ऑफ रिजर्व, सी मे बी अराउंड 30 to 40 years. नाउ अभी G20 की मीटिंग हुई और उसमें ऑफ कोर्स क्लाइमेट इशू बड़ा बिग स्केल पे डिस्कस हुआ. अगर हम कार्बन एमिशंस को कम नहीं करेंगे तो उस हालत में एज इट इज ये ग्लोब अनसस्टेनेबल है, क्योंकि फिर ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया भर की रिलीज होंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, सुनामी आएगी, पूरा यू नो इट विल नॉट बी एनवायरमेंटली वायबल टू सस्टेन दिस अर्थ. हम यहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिजर्व तो एक इश्यू हुआ कि पेट्रोल कब तक चलेगा, मगर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट मैनेजमेंट हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पेट्रोल के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट है, उसको हम मिनिमम करें, बिल्कुल खत्म करें और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लेके आए जिनके साथ कार्बन एमिशंस मिनिमम हैं. तो ये तो एक क्लाइमेट से रिलेटेड बात होगी. लेकिन कभी आपने सोचा है कि जितने ये ओपेक नेशंस हैं, रशिया है, जिनकी इकोनॉमी बेसिकली एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है और वो ऑयल ड्रिवन है, इनकी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इसका अफेक्ट पड़ेगा, आपने कभी सोचा है? अब बीबीसी की एक रिपोर्ट है, उसको मैं कोट करता हूं और आपको दिखाता हूं, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट इम्प्लीकेशंस दिए हुए हैं कि जो ओपेक कंट्रीज बेसिकली मिडिल ईस्ट और बाकी सब, इनकी सोसाइटीज जो कि इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बहुत वायबल नहीं है, और आज की डेट में जो उनकी सस्टेनेंस हो रही है वो बेसिकली इसलिए हो रही है कि ऑयल से रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं. तो जब वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे तो वहां पर क्या होने वाला है, इसके बारे में लेट अस सी दिस एक्सपर्ट व्हिच हैज बीन कोटेड बाय बीबीसी. सो दिस इज व्हाट प्रोफेसर पॉल स्टीवंस हैज टू से. द ऑयल प्रोड्यूसिंग गवर्नमेंट गेट्स रेवेन्यू. इफ दैट रेवेन्यू फॉल्स और डिसअपीयर्स, द गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर एबल टू सस्टेन द नॉन ऑयल सेक्टर्स एंड दैट इज ए पिटफॉल. जितने भी ओपेक नेशंस हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ सऊदी अरबिया एंड अदर्स, दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ऑयल रेवेन्यू. और जैसे ही वो आना कम होगा तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और जो सब्सिडीज वो पे कर रहे हैं पॉपुलेशन को खुश रखने के लिए, वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए. तो ऑब्वियसली जो सोसाइटी है वो नाराज होगी. और जितने भी ये कंट्रीज हैं बेसिकली दे आर पॉलिटिकली अनस्टेबल. इनफैक्ट जब इनकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी डेवलप हुई तो उस टाइम पे जो रेवेन्यू आया या जो अभी भी आ रहा है, उसमें जो वहां के रूलिंग एलिट हैं, दे मेड द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, दे हैव गॉट इन्वेस्टमेंट ऑल अराउंड. बट द पॉइंट इज, जैसे ही वो पॉपुलेशन को सब्सिडी देना बंद करेंगे तो देर विल बी प्रॉब्लम एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दोज स्टेट्स दे विल बिकम अनस्टेबल एंड यू कैन कॉल देम इन दैट केस फेल्ड स्टेट एज वेल. एंड दिस अनदर स्टेटमेंट विच हैज बीन कोटेड बाय बीबीसी टॉम बुर्के. एंड व्हाट ही हैज टू से, इफ यू कैन डिलीवर फूड, एनर्जी एंड वाटर सिक्योरिटी अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, इंटरनल स्टेबिलिटी चली जाने वाली है. There should not be any doubt about it. There will be riots. There will be situations which these states and their political establishment will never be able to sustain. There is no doubt about it. Now you look at Russia. Russia is not very, very serious about climate issue because उनकी जो economy है वो बेसिकली इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना ऑयल वो एक्सपोर्ट करते हैं और उनका रिजर्व भी अच्छा खासा है. सो प्रेसिडेंट पुटिन डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड समझ रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में, प्रेसिडेंट पुटिन उसको कहते हैं दैट इज ए चैलेंज एंड थ्रेट टू रशियाज इकोनॉमिक सिक्योरिटी. इज राइट.
रसिया इज इन टू प्रॉब्लम इन केस ऑयल एक्सपोर्ट इज आइदर नॉट अवेलेबल और इट इज नॉट सस्टेनेबल. इट इज एज सिंपल एज दैट. यूएई हैज बीन ए स्मार्ट ऑपरेटर. उन्होंने क्या किया कि अपनी जो नॉन ऑयल इकोनॉमी है उसको डेवलप किया. दुबई हैज बिकम ए बिग ट्रेड सेंटर एंड इट कैन सस्टेन. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम अबाउट इट. बट व्हाट अबाउट द नेशंस लाइक सऊदी अरेबिया. फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया पिछले 5 साल से कोशिश कर रहा है नॉन ऑयल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. बट इवन देन जो उसकी जीडीपी है उसका जो 2/3 है अभी भी ऑयल से ही आ रहा है. What about the countries like Qatar? Again, it is basically oil dependent. What about the countries like Iran? Again, it is a basically oil export driven country. Economy is like that only. So all these nations, they are going to face internal stability issues. But more than that, there is another aspect of it which probably most of the people are missing. International Islamic Terrorism. Now all these organization, ISIS, Al Qaeda, आप ले लीजिए, आप हमास को ले लीजिए, हिजबुल्लाह को ले लीजिए, या बाकी और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में हैं और इवन पाकिस्तान में हैं, and for that matter even Taliban. All these nations, these organizations are being financed by basically oil money. और जब ऑयल मनी इतना कम होगा कि मिडिल ईस्ट के नेशंस अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली पहली तो पॉपुलेशन अनस्टेबल होगी, सोशली दे विल बी अनहैप्पी, राइट्स भी होंगे वहां पे. और इसके अलावा ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब इनकी सस्टेनेंस चैलेंज होगी क्योंकि ऑयल मनी इनको आना बंद हो जाएगा, तो उस हालत में दे विल बी लुकिंग फॉर रिक्रूट्स. From where they are going to get it? They are going to get it from this unhappy population of Middle East nations. So the world has to look into the wider perspective. Same way, Russia, once the economy goes down, how a big nation, powerful nation like Russia is going to behave? It becomes debatable. Same way you take Pakistan, which is again a nuclear state. If Saudi Arabia and all these Middle East nations are not able to get the labor force from Pakistan, which is actually quite a bit of sustaining factor for Pakistan economy, what they are going to do? So Pakistan, in any case, another 3-4 years, Pakistan agriculture will not be able to be sustained because they are not going to get adequate water. So in case there is no water, there is no labor force which is working in Middle East, and there is no sustenance from the government of Saudi Arabia to bail out Pakistan economy again and again. So what is going to happen to the countries like Pakistan? And of course, there must be some other nations as well in that country, in that situation. So overall, the international power structure is going to be threatened, and we have to be wise about it. Middle East ke jo nations hain, unke paas in any case choice nahi hai. They have to support the climate issues, and reason is very simple. By any chance, agar carbon emissions isi rate se badhte rahe, तो मिडिल ईस्ट में इतनी हीट वेव्स आएंगी कि दोज कंट्रीज विल बिकम एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल. सो उनके पास इन एनी केस कोई चॉइस नहीं है. नाउ अनदर इशू, इज इट पॉसिबल फॉर देम टू रिड्यूस देयर एक्सपोर्ट एंड सस्टेन एंड बी पार्ट ऑफ द सस्टेनेंस मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल? दैट द ओनली चॉइस. बट द वे द वर्ल्ड इज मूविंग नाउ टूवर्ड्स द electric vehicles and all those issues, in any case petroleum prices will automatically come down. Reason is very simple, because agar aap dekhen, aap ek electric vehicle ko jab aap drive karte hain, for example in the context of India, what can be the cost? Can you imagine?
अगर आप डीजल से आप उसको ड्राइव करते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है करीब 9 रुपये पर किलोमीटर, और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको हैंडल करते हैं तो वो पड़ती है 80 पैसा पर किलोमीटर। तो इन एनी केस पेट्रोल कॉम्पिटिटिव नहीं रहने वाला है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट इट। हाँ, उसमें चार्जिंग के इश्यूज हो सकते हैं कि चार्जिंग की फैसिलिटीज इतनी ना हो इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सिर्फ 427 चार्जिंग स्टेशन हैं और 250 किलोमीटर के बाद अगर आप चार्ज करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं। बट द पॉइंट इज हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टू डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वॉक्सवैगन ने $24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है R&D में, बैटरी में, यू नो ऑल दोज एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट, एंड दैट इन्वेस्टमेंट विल गो अप टू $56 बिलियन बाय 2030। आई एम टॉकिंग 2030, वॉक्सवैगन की 100% जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। सो यू कैन इमेजिन देयर इज नो वे आउट फॉर द वर्ल्ड एक्सेप्ट टू गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और alternative sources of energy, even India for that matter, 2030 tak 25% of the vehicles, they will be electric vehicles. There is no choice actually, there is no choice. Israel is already working on an aeroplane, say 6-seater aeroplane. Plane which can travel up to 700 kilometers and then it will require the charging maybe for 30 or 40 minutes. So technology is evolving, and over a period of time you will see that there is no way out except to depend on either electric vehicles or electric form of energy or other solar energy or renewable sources of energy, that may be wind energy or, you know, all those things. But there is no way out. Now the only problem which is coming right now is development of the batteries. Now right now they are using lithium batteries, and you know which is the number one company in the world? China. So China is at an advantage as usual, and you know the name of this company is Contemporary Amperex Technology. And there is another company, LG. They are the leaders in lithium batteries. But R&D is going, of course, the countries which has got lithium or cobalt, again, they will be at an advantage. But Japan is working on an alternative battery as well. That will be sodium battery. So my point is, ultimately, the global power structure will change. China will remain, you know, powerful because it will be the big manufacturer of the batteries. But other countries and other companies, including GE, including Ford, Hyundai, all these companies, they are working on electric vehicles and they want to challenge number one position of Tesla. But in this video, my point was basically how it is going to affect the global power structure. So Middle East will lose the leverage. Rather than world being dependent on them, they will be depending on world. The Strait of Hormuz, जिसके ऊपर ईरान की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है और उसका जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो है, उसकी वैल्यू कम हो जाने वाली है। इन एनी केस आई डोंट विजुलाइज आफ्टर 2030 not more than 20% energy dependence will be on oil. Alternative sources of energy will come up. And now in this context, you see, once you have got electric vehicles and use of electricity all around, in that case,
power requirement of the countries will go up at least by 25%. And now you see the implications of India-US nuclear energy agreement. India will be at advantage, and all those nations which have got surplus electricity or adequate electricity, they will be at an advantage. Other countries, you know, those who are into this artificial intelligence or digital form of research, they will be at an advantage. And in that category, you will find India and Israel as well. Even East European nations, they will be at an advantage because of digital technology. Now the point is, how much is the import of India? Let us take the Indian context. Can you imagine? $64 billion in 2020. And if that happens, you know, obviously, once, electric vehicles 2030, 25%, and maybe another by 2035 or 2040, we will have, say, around 80% vehicles electric driven. In that case, where is your oil bill? So really, your relationship with Middle East nations and your dependence on them will be minimized. That's a big takeaway. Middle East will lose its relevance. They will be dependent on the rest of the world for their sustenance. And countries like Pakistan, unless they get alternative model to sustain themselves, they will lose their relevance. It is going to be new world economic order. So I hope you liked the video. Thank you so much.